मंडी से कंगना रनौत को टिकट देने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने विवादास्पद पोस्ट का मामला बढ़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट हैक होने का दावा। कंगना का पलटवार, कहा हर महिला को सम्मान का अधिकार। मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथा कथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। बिहार में आरजेडी का कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी की तरफ से 6 सीट के ऑफर के बाद दोनों दलों में कोई बात नहीं। कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद समेत 9 सीटों की कर रही है मांग। ईडी की कस्टडी से एक बार फिर केजरीवाल के अपने मंत्रियों को आदेश जारी करने के दावे पर मचा बवाल। बीजेपी ने आदेश को बताया गैर कानूनी, एलजी से की जांच की मांग। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव, बीजेपी और अकाली दल के बीच नहीं बनी बात। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की दी जानकारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बड़ा आत्मघाती हमला, हमलावर ने चीनी नागरिकों के काफिले पर किया विस्फोट, हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत। महाकोश